गाइस, सो वेलकम टू कोडी चैनल द डीसेंट कोडर। एंड आज हम लोग यहाँ पर फिबोनाची नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फिबोनाची नंबर्स बेसिकली किस तरीके से कंप्यूट किए जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दो एल्गोरिदम्स के बारे में आज बताऊँगा, एक नेव एल्गोरिदम और दूसरी जो है वो थोड़ी एडवांस एल्गोरिदम है। नेव एल्गोरिदम में क्या होगा कि आपको जो मेनली जो एक तरीके से नॉर्मल जो हर इंसान जो मतलब जिस तरीके के एल्गोरिदम सोचता है फिबोनाची को कंप्यूट करने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा, और एल्गोरिदम जो थोड़ी एडवांस्ड है उसमें एक ट्रिक टाइप की है जिससे आप इजीली फिबोनाची नंबर्स को कंप्यूट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एंड इफ आई शो यू व्हाट आर द बेसिकली, यहाँ पर पहले थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं फिबोनाची नंबर्स आखिर होते क्या हैं। सो फिबोनाची नंबर्स वर एक्चुअली डेवलप टू स्टडी रैबिट पॉपुलेशंस। रैबिट पॉपुलेशंस किस तरीके से ग्रो कर रही है उसे पढ़ने के लिए फिबोनाची नंबर्स बेसिकली डिस्कवर किए गए थे। उसके बाद में ये बेसिकली एक तरीके का रैपिड ग्रोथ एल्गोरिदम है, ठीक है। यहाँ पर इंडक्शन वगैरह के थ्रू इसे मतलब इसका प्रूफ शो किया गया है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना, मैं शेयर कर दूंगा ये पीपीटी आप लोगों के साथ। और इसका मैं अभी आपको कोडिंग अगर इसकी आपको चाहिए फिबोनाची नंबर्स की दोनों एल्गोरिदम्स की तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टेल या बता देना कि भाई करके दिखा दो कोडिंग उसकी। एंड इफ आई शो यू देन लाइक ये है मेरी नेव एल्गोरिदम, ये रही। तो अगर मैं इसको ज़ीरो के लिए कंप्यूट करता हूँ, बेसिकली फिबोनाची नंबर एक सीरीज होती है, ज़ीरो पहला एलिमेंट होता है, वन होता है मेरा सेकंड एलिमेंट, और उसके बाद से जो नंबर्स होते हैं वो fn-1 प्लस fn-2 के रेंज पे चलते चले जाते हैं। fn-1 और fn-2 मेरा ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है, मैं आपको बता दूं पहले ही। 0, 1 के बाद में अगर आप 2 के लिए इसको कंप्यूट करोगे ना तो 2 में क्या होगा, f(n-1) मतलब ये 1 को कंप्यूट करेगा और 0 को कंप्यूट करेगा, दोनों का सम लेगा और तब आपको 2 ये देगा, ठीक है। ये नेव एल्गोरिदम स्लो क्यों है भाई, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये स्लो यहाँ पर ही देखे कितने सारे इसने कैलकुलेट करके दिए हुए हैं मुझे फिबोनाची नंबर्स। यहाँ पर ये रहा मेरा जो बेसिक फार्मूला है, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 तो सिंपली n को आप रिटर्न कर दो, ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है, क्योंकि अगर 0 है तो 0 रिटर्न कर दो क्योंकि पहला एलिमेंट तो वही है, 1 है तो 1 रिटर्न कर दो दूसरा एलिमेंट। अब दो नंबर्स तो फिक्स्ड होते हैं हमेशा, उसके बाद से जो मेन स्टार्ट होता है वो एल्स की कंडीशन आती है, रिटर्न ऑफ फिबोनाची रिकर्स ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची रिकर्स ऑफ n-2। अब ये दो का सम जब रिटर्न करोगे तो भैया यहाँ पर आप फिबोनाची रिकर्स ऑफ n-1 और फिबोनाची रिकर्स ऑफ n-2 आप ये दोनों दोबारा से कंप्यूट कर रहे हो। आप ये देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ है, n-1 के लिए वो दोबारा से कंप्यूट करेगा, और जब जब ये चीज़ कंडीशन अब फिबोनाची नंबर ऑफ जब 3 कंप्यूट करोगे तब क्या होगा, 2 के लिए और 1 के लिए। अब यहाँ पर आप जैसे यहाँ 2 के लिए कंप्यूट अगर मैंने किया तो ये 1 के लिए किया करेगा और 0 के लिए करेगा, 1 का यहाँ भी कंप्यूट हो रहा है और 3 में भी होगा, दो दो बार मेरी एल्गोरिदम चलेगी सेम चीज़ को कंप्यूट करने के लिए। तो इसलिए भैया ये बहुत स्लो एल्गोरिदम है नेव एल्गोरिदम जो मेरी है फिबोनाची नंबर्स की। रनिंग टाइम अगर आपको निकालना है तो अगर यहाँ पर 0 और 1 के लिए तो सिर्फ 2 लाइंस ऑफ कोड यहाँ पर चल रहा है, ये टी ऑफ एन जो है ये आपकी लाइंस ऑफ कोड है फिबोनाची नंबर को कंप्यूट करने के लिए, कौन सी वैल्यू पर कितने लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो सिंपली रिटर्न कर दो n को, एल्स में क्या है इन दोनों का सम रिटर्न करो। यहाँ पर 3 लाइंस ऑफ कोड लगेंगे और 3 तो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा है, ये इसको कंप्यूट करने के लिए फिर से 3 लगेंगे, इसको भी कंप्यूट करने के लिए 3, हाँ इसको भी कंप्यूट करने के लिए फिर उसके हिसाब से लगेगा। अब 3 ज़रूरी भी नहीं है, अगर ये थोड़ा बड़ा नंबर हुआ 2, 3 वगैरह से तो नॉर्मली फिर तो आपका फिर ये चलता ही चला जाएगा, हर बार रिकर्जन लगेगा। आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए वाई सो स्लो, ये मेरी एल्गोरिदम है, एफ ऑफ एन को कंप्यूट करने के लिए एफ ऑफ एन माइनस वन कंप्यूट किया गया, एफ ऑफ एन माइनस टू कंप्यूट किया गया, फिर एफ ऑफ एन माइनस वन के लिए एफ ऑफ एन माइनस टू दोबारा से कंप्यूट किया गया। यहाँ पे देख रहे हैं एफ ऑफ एन माइनस टू कितनी बार कंप्यूट हुआ है, 2 बार। एफ ऑफ एन माइनस थ्री कितनी बार हुआ है, 1, 2, यहाँ पर भी ये 2 ही बार हुआ है लेकिन ये नहीं, सॉरी 3 बार हुआ है, देखिए 1, 2, 3, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम एक रेपिटेटिव एल्गोरिदम टाइप की है, रेपिटिशन इसमें बहुत फॉलो हो रहा है तो इसलिए ये बहुत स्लो है। आपको मैं टोटल टाइम अगर बताऊं तो ये 56, अगर आप 100 के लिए
फिबोनाची नंबर्स को कंप्यूट कर रहे हो ना, तो 50 जो है आपके 6 trillion लाइन्स ऑफ कोड आपके एग्जीक्यूट होंगे, तब जा करके ये देखिए सॉरी 56,000 ईयर्स लेगा एट 1 GHz के प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ टी ऑफ 100 1.776 trillion। ये वैल्यू बहुत बड़ी है 10^21। तो भैया कौन बैठेगा इतना टाइम तक? फिबोनाची नंबर्स कंप्यूट करोगे कि आगे भी कवर करोगे कुछ? अब चलते हैं दूसरी एल्गोरिदम देखते हैं, जो नई एल्गोरिदम है हमारी, न्यू एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, एक ट्रिक होती है। आप एक सिंपल एरे बना लेते हो अपने नंबर्स का, स्टोर करते हो उनमें नंबर्स को सिंपली। और होता क्या है कि भाई देखो, यहाँ पर हमने 2 से लेकर n तक के लिए लूप चला दिया, और बस उसके जो पहले के एलिमेंट्स आते जा रहे हैं, जैसे अगर मुझे एक पर्टिकुलर n की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो बस उसके 2 एलिमेंट जो पहले होंगे उनका सम डायरेक्टली आप रिटर्न कर दो, तो भैया वही हो गया मेरा। सिंपली से बस उसका हमें सम रिटर्न कर देना है। तो ये एक तरीके की ट्रिक है। बेसिकली लोग ये एल्गोरिदम लगा देते हैं जो रिकर्सिव होती है, और इस एल्गोरिदम को कभी सोचते ही नहीं है। इससे अगर मैं ड्राई रन के तौर पे बताऊँ ना, तो ड्राई रन के तौर पे तो ये बहुत ईजी पड़ जाएगा। ये एक सिंपली ड्राई रन एल्गोरिदम है। अगर आप फिबोनाची नंबर्स को हैंड रिटर्न के तौर पे कंप्यूट करते हो, तो कैसे करते हो? इसी तरीके से कुछ करते होगे ना, 0, 1 फिर 1+1। तो इसी तरीके से बस अगर मुझे एक पर्टिकुलर कैलकुलेट करना है, तो बस उसके के पहले के 2 का सम मैंने कंप्यूट करके रिटर्न कर दिया। अब मैं आपको जो मैंने बताया था कि मैं आपको वो शो करूँगा बेसिकली जो मेरा है, यहाँ पर का जो मॉरल अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये था कि द राइट एल्गोरिदम मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपने देखा होगा मेरी बेटर एल्गोरिदम बहुत ही बेटर वर्क की, और जो मेरी नेव थी उसका वर्किंग थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम ले रहा है। अब मैं आपको एक साइट की लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हो डायनामिक प्रोग्रामिंग फिबोनाची। अब यहाँ पर आपको अगर मैं सिर्फ 2 के लिए कंप्यूट करके दिखाऊँ ना, 2 के लिए नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते 5। अब जैसे मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ फिबोनाची ऑफ रिकर्सिव। अब यहाँ पे ये मेरी रिकर्सिव एल्गोरिदम है। एनिमेशन स्पीड मैं फास्ट कर देता हूँ थोड़ी, और तब देखते हैं कंप्यूट कैसे होता है। ये देखिए, देखते जा रहे हैं आप, ये अब आया। और इसी को अगर मैं फिबोनाची ऑफ मेमोआइज के तरीके पे करूँ, तो देखिए काफ़ी फास्ट एल्गोरिदम थी ये मेरी नई एल्गोरिदम है, और ये है मेरी पुरानी। तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिबोनाची की टेबल के भी फॉर्म में चेक कर सकते हैं कैसे कंप्यूटेशन हो रही है। तो बेसिकली आज की वीडियो बस फिबोनाची नंबर्स के लिए थी। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको अच्छे अच्छे फैक्ट्स वगैरह के बारे में जानना है, तो आप factstreasury.blogspot.com पर विज़िट करके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं वहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे ट्रीज वगैरह और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स वगैरह पे ब्लॉग्स हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं सभी चीज़ों की दे दूंगा आपको, इस साइट की भी दे दूंगा। अब आप मेरे पोर्टफोलियो पे भी जा सकते हैं, बेसिकली वहाँ पर मैंने अपने सर्टिफिकेशन वगैरह डाल रखे हैं जो मैंने करे हुए अब तक। तो भाई बताना हो कैसे लगे, और मतलब अगर आपको कोड वगैरह चाहिए तो कोड का भी बता देना, मैं कोडिंग भी आपको करके इसकी दे दूंगा। सो बस आज के लिए इतना ही, एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू गाइज़।